पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र यानी लेंस मेकर सूत्र हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें पहला टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है कि जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है, और दूसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान नहीं है। बहुत आसानी से समझेंगे सरल भाषा में। देखिए अपने पास ये लेंस है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपका लेंस है, और माध्यम जब दोनों तरफ समान है तो हम माध्यम को बोल देते हैं कि इधर जो माध्यम है ये माध्यम फर्स्ट हो गया, और इधर ये लेंस वाला भी माध्यम हो जाएगा तो माध्यम सेकंड हो गया, और इधर ये तीसरा माध्यम रहेगा माध्यम थर्ड हो जाएगा। मान लेते हैं पहले माध्यम का अपवर्तनांक N1, दूसरे का N2 और तीसरे का N3 है, ठीक है। ये लेंस है आपका, यहां पर ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, मान लेते हैं ये O है, नहीं O नहीं कह देते हैं इसको हम, चलो ठीक है O ही कह देते हैं। अब देखिए या O डैश कह देते हैं। अब यहां पर क्या है कि हम इसके सामने एक वस्तु रख देते हैं, एक वस्तु हमने O रख दिया, यहां से प्रकाश की किरण चलाएंगे तो एक चीज और ध्यान रखिए, देखिए यहां पे जो ये चीज लिया गया है N2 इज ग्रेटर देन N1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ और नहीं है कि ये जो दूसरा माध्यम है वो सघन है, ये माध्यम इसकी अपेक्षा सघन है, ये कह देते हैं सघन है, और ये आपका विरल है। और दूसरे केस में भी हम यही चीज कहेंगे, इस वाले में भी हम यही कहेंगे कि N2 इज ग्रेटर देन N3, है ना, N2 इज ग्रेटर देन N3 और N2 इज ग्रेटर देन N1। तो कुल मिला के क्या हो गया, अब हम इसी भाषा का अगर हम अर्थ निकालें तो अर्थ के आधार पर हम बोल सकते हैं कि पहला माध्यम विरल और दूसरा माध्यम सघन, तीसरा माध्यम भी इसके रेस्पेक्ट में विरल हो गया। किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि यहां पर शो कर रहा है वो, तो ये भी हो गया आपका विरल। अब प्रकाश की किरण देखिए किसमें जा रही है, सघन विरल से सघन में जा रही है, तो हम मान लेते हैं प्रकाश की किरण यहां पर आपतित हो रही है, ये ऐसे आपतित हुई, और आपतित होने के बाद में इसका अपने अभिलंब की तरफ झुकाव होगा। पहले हम इसका इस वाले का जो है वो ड्रा कर दे रहे हैं नॉर्मल, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से गोला बनेगा, इसका होगा सेंटर, मान लेते हैं C1 सेंटर है, और यहां से हम ड्रा कर लेते हैं एक नॉर्मल, तो ये हमने नॉर्मल ड्रा कर लिया, इसको हमने कह दिया N1। अब प्रकाश की किरण क्या होगी, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अपने अभिलंब की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, तो इसको सीधे जाना चाहिए था, सीधे ना जाकर के थोड़ा सा हम इसको ऐसे बेंड कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा हमने बेंड कर दिया। अब अगर थोड़ा सा ये बेंड हुई तो इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, इसको जहां से बेंड हुई उसी को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं ऐसे ऐसे, तो देखिए ये हमने थोड़ा थोड़ा इसको पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और उसके बाद में इस तरफ ये पृष्ठ पर जाएंगे तो यहां से फिर देखिए ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम, इसका हम ड्रा कर लेते हैं अभिलंब, यानी C2 ड्रा कर लेते हैं, या N2 आप ऐसे कहिए, तो यहां से हम इसको ये ड्रा कर लिए N2, ठीक है, ये N2 हो गया। और यहां से जब सघन से विरल में प्रकाश की किरण जा रही है तो क्या होगा, फिर से वो अपने अभिलंब से दूर हट जाएगी, अब की बार अपने अभिलंब से दूर हट जाएगी, और दूर हटने की स्थिति में क्या हो जाएगा कि जैसे इसको सीधे जाना चाहिए था ऐसे जाना चाहिए था, सीधे नहीं जाएगी, अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाएगी, तो किस तरह से हम इसको ऐसे कर, बात समझ में आया। पहले देखो प्रकाश की किरण ऐसे यहां से चली, एक प्रकाश की किरण, और उसके बाद में इस पॉइंट पर इंटरसेप्ट हो रही है, यहां पर जो है अपवर्तित होने के बाद में, अपवर्तित कैसे होगी, इस बिंदु पर हम अभिलंब खींचेंगे, हमने अभिलंब ऐसे खींच दिया, ये C1 N1 C1 आपका अभिलंब हो जाएगा नॉर्मल, और उसके बाद में यहां से प्रकाश की किरण को सीधे जाना चाहिए था, सीधे नहीं जाएगी, अपने अभिलंब की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, अपने अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगी, क्यों, क्योंकि ये विरल से सघन में जा रही, तो ये रहा इसका अभिलंब, और अपने ये रहा इसका अभिलंब, अपने अभिलंब की तरफ झुक गई थोड़ा सा, ठीक। उसके बाद में जब यहां पर हम पहुंचे तो यहां पर क्या है, विरल से सघन से विरल में जा रही है, उल्टा इसका हो रहा है, तो ये रहा इसका अभिलंब, और अभिलंब से दूर हट जाएगी, तो ये रहा आपका अभिलंब और उससे दूर हट जाएगी, तो इस तरह से ये चीज हो जाएगी। अब देखिए दोनों चीजें अपने पास हो गई, अब सीधा सीधा हम क्या कह देते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस इसको हम बोल देते हैं u, ठीक,
और ये जहां पर इमेज बन रहा है, ये इमेज बन रही है एक, तो हम सारी की सारी दूरी कहां से लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, हम यहां से नहीं लेंगे, P1 और P2 से नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि लेंस बहुत पतला है और पतला लेंस होने की वजह से ये सारे पॉइंट आपके इसी से मेजर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हमने कह दिया आई डैश और ये हमारा है बी डैश। फाइनल इमेज कहां पर बन रहा है? वो फाइनल इमेज यहां से यहां पे बन रहा है, तो हम इसको बोल दिए बी। बात समझ जाए? अब देखिए, हम पहले सरफेस के लिए जब पहली बार यहां पर अपवर्तन हो रहा है, ये पृष्ठ वन है और ये पृष्ठ दूसरा है, दूसरी बार जब अपवर्तन हो रहा है, तो पहली बार जब अपवर्तन हो रहा है तो हम किस माध्यम में जा रहे हैं? एन टू माध्यम में जा रहे हैं। सूत्र कौन सा लगा रहे हैं यहाँ पर? हम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लगा रहे हैं और वो है आपका एन टू बटे बी माइनस एन वन बटे यू बराबर एन टू माइनस एन वन बटा आर आर, ये वाला सूत्र लगा रहे हैं और इसी सूत्र के आधार पर हम इसको लिख रहे हैं पहली बार जब पहले पृष्ठ पर अपवर्तन होता है। तो एन टू बटा इमेज हमारी कहाँ बन रही है भैया? ये इमेज बन रही है और ये रहा आपका बी डैश। एन टू बटा बी डैश माइनस फिर किस माध्यम से हम आए थे? एन वन माध्यम से हम आए थे और हमारी वस्तु कहाँ पर रखी थी? वस्तु हमारी यू पर रखी थी, तो बटा यू बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा वही चीज एन टू माइनस एन वन बटा आर वन। तो हम लोगों को ये चीज मिल जाएगी और आपको पता है कि जब पहला ये पृष्ठ है वो आपका आर वन था, इसकी वक्रता त्रिज्या आर टू थी और इस वाले की वक्रता त्रिज्या आपकी आर टू थी, इसका आर वन ये और ये इसका कितना है आर टू, ठीक है। तो हमने इसको क्या कह दिया? समीकरण एक कह दिया। फिर जब दूसरी बार यहां से यहां अपवर्तन हो रहा, तो देखो ध्यान से समझो किस माध्यम में हम जा रहे हैं? यंत्री में जा रहे हैं, यंत्री में जा रहे हैं ना भैया, तो हम कह देंगे यंत्री और बटा हमारा जो वस्तु है, ये वस्तु का काम करेगा इस सतह के लिए, इस सतह के लिए ये वस्तु का काम करेगा और वो वस्तु कहाँ पर है? प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? अंतिम प्रतिबिंब ये बन रहा है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे B और माइनस हमारा जो वस्तु है वो कहाँ पर है? वस्तु हमारा है आपका इस जगह पे, आप देख रहे हैं एन वन पे है ना, तो यहाँ पे हम ले लेंगे। देखिए किस किस माध्यम से हम आए थे, ये ध्यान दो, एन टू माध्यम से हम आए थे, तो एन टू यहाँ पर कह दिए और बस तो हमारा कहाँ पर है? ये रहा बी डैश, ठीक। और बराबर इसी प्रकार हम क्या कर देंगे यहाँ पे एन थ्री और किस माध्यम में जा रहे थे? एन थ्री में जा रहे, कहाँ से जा रहे थे? एन टू से जा रहे थे। वक्रता त्रिज्या उसकी कितनी है उस पृष्ठ की? तो उस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अपनी आर टू है, ठीक है। समीकरण दो, समझ में आ गया ना भैया? तो इस चीज को ध्यान रखिए, समीकरण एक और दो को जोड़ दीजिए, समीकरण एक और दो को जोड़ने पर जोड़ देंगे तो क्या हो जाए? देखिए n2 बटा b डैश माइनस n1 बटा u बराबर n2 माइनस n1 बटा r1, सॉरी यहां पे हम ये वाला जोड़े ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे प्लस n3 बटा b माइनस एन टू बटा बी डैश बराबर अभी वाला लिख लेते हैं एन टू माइनस एन वन बटा आर वन प्लस यहाँ पे आ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा एन थ्री माइनस एन टू बटा आर टू। देखिए कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, ये वाला कैंसिल हो गया है, यहाँ पे बचा क्या वो चीज़ हम लिखते हैं, यहाँ से हमको मिल रहा है एन थ्री बटा बी माइनस एन वन, एन वन माइनस एन वन बटा यू और बराबर बराबर क्या बचा? देखो यहाँ पर हम क्या कर ले रहे हैं, जैसे ये अपने पास एन थ्री माइनस एन टू लिखा ना, तो मैं इसको अगर एन टू माइनस एन थ्री लिख दूँ तो यहाँ पे माइनस ले लूँगा, ठीक है। तो वही चीज़ कर रहा हूँ ताकि एक सिमेट्री बन जाए, एन टू माइनस एन वन और फिर माइनस एन टू माइनस एन थ्री, एक सिमेट्री बन जाए, बोलने में आसानी होगी बस, और कोई बात नहीं वरना सही तो बस यही है। ये हो जाएगा n2 माइनस n1 बटा r1 और माइनस n2 माइनस n3, सॉरी हाँ ठीक है n2 माइनस n3 बटा r2, ये हो जाएगा r1, ये हो जाएगा r2। बात समझ रहे हो? यहाँ पे भी आपका ये r1 होना चाहिए, n2 माइनस n1 बटा r1 और प्लस n3 माइनस n2 बटा r2। तो कुल मिला के अपने पास ये सूत्र निकल आया और यही सूत्र क्या है, जब लेंस के दोनों तरफ माध्यम समान ना हो तो उस स्थिति में हमारे पास ये हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। और दूसरी चीज है कि
कि जब यहीं पर इसी सूत्र से हम अगर चाहें, इसी सूत्र से हम चाहें तो पहले वाले सूत्र का क्या निकाल सकते हैं, पहले वाले सूत्र के लिए हम निकाल सकते हैं कि पहले वाला डेरिवेशन। अगर देखिए कैसे, अब अगर मान लीजिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, अगर जो है हमारे पास, अगर पहला माध्यम समान है, पहला और तीसरा माध्यम समान है, यानी जो लेंस रखा गया वो समान माध्यम में रखा गया, तो इसका मतलब यंत्री माइनस यंत्री बराबर हो जाएगा यन वन, और बराबर मैं बोल देता हूँ कुछ भी बोल दो, चाहे एक कह देते हैं, है ना, यंत्री बराबर एन वन बराबर एक। एक कब के लिए, जब लेंस वायु में रखा है, यदि लेंस वायु में रखा है तो यंत्री बराबर एन वन बराबर एक हो जाएगा। तो या पहले हम ऐसे निकाल लेते हैं, यही निकाल लेते हैं एन वन बटा और बी माइनस, यहाँ पे एन वन की रहने दो, बटा यू और बराबर एन टू माइनस एन वन, एन वन तो रहने दो, एन टू माइनस एन वन और बटा हो जाएगा आर वन, और इधर माइनस एन थ्री की जगह पे एन वन, तो आप अपना यहाँ से कॉमन कर लीजिए, चलो एक बार और लिख देते हैं एन टू आर वन, और यहाँ पे हो जाएगा एन टू माइनस फिर से एन थ्री की जगह पे एन वन हो जाएगा बटा आर टू हो जाएगा। अब देखिए सरल सा कितना है ये, एन टू माइनस एन वन दोनों में कॉमन कर लो, एन टू माइनस एन वन कॉमन कर लिए यहाँ से ऐसे, और ये अपने पास क्या बचा, वन बाई आर वन और माइनस वन बाई आर टू, ये चीज बची है ना। अब यहाँ से जो एन वन है ना, इस एन वन को इसके बटे में भेज देते हैं, इस एन वन को यहाँ से कॉमन ले करके इसके बटे में भेज देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एन वन और यहाँ से हो जाएगा एक, हो जाएगा ना, ध्यान से समझिए, इस वाले एन वन को हमने क्या किया, कॉमन लेकर के यहाँ से भेजेंगे इधर, तो इधर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो इसमें पूरे बटे में होगा, अलग अलग कर देते थे इससे यहाँ से, तो एन टू बटा एन वन और यहाँ एन वन बटा एन वन होगा, कैंसिल हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये चीज जो लिखी हुई है, ये लिखा है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उसको मैं बोल देता हूँ एन, तो ये अपने पास क्या हो गया, एन माइनस वन टाइम्स वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, ठीक है। हालांकि डेरिवेशन आपका यहीं पर समाप्त हो गया है, ये जो डेरिवेशन है, जब लेंस के दोनों तरफ माध्यम समान ना हो उस समय ये आपका डेरिवेशन यहीं समाप्त हो गया, खत्म इसकी कहानी, ठीक है। लेकिन ये चीज हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं क्या भैया, निकाल रहे हैं हम इसको जो है पहले वाला सूत्र निकाल रहे हैं, मतलब किसी से पहले वाले को प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिए ये चीज हो गई, इस तरह से हमने प्राप्त किया था ना, पहले वाला यही डेरिवेशन है, इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, वन बाई एफ लिख सकते हैं, तो ये अपने अपना हो गया एन माइनस वन टाइम्स वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। दूसरा तरीका एक और था, अगर आप यहाँ यन थ्री बराबर यन वन यन थ्री बराबर यन वन बराबर वन कह देते ना, तो और आसान हो जाए, इतना भी ताम झाम ना करना रहता। उसको भी देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए अगर इसी में हम यन थ्री बराबर यन वन बराबर वन कर देते हैं, तो देखिए यन थ्री की जगह पे वन बाई, डायरेक्ट देखिए आंसर इसका फार्मूला, यन वन बाई बी माइनस वन बाई यू बराबर यन टू माइनस यन वन, यन टू को कह दो, जो ये लेंस है ना, लेंस को बोल दो यन है, यन मीडियम है ना, इसका अपवर्तनांक हम बोल देते हैं यन है, यन टू की जगह पे यन बोल देते हैं, तो यन माइनस वन और माइनस बटे आर वन, और माइनस क्या हो जाएगा इसकी जगह पे फिर से यन, यन माइनस क्या हो जाएगा इसकी जगह पे वन बटा आर टू। अब देखिए एकदम आसानी तुरंत आ गया, वन बाई बी माइनस वन बाई यू इक्वल टू एन माइनस वन कॉमन कर लिए, तो इधर क्या होगा वन माइनस वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, समझ रहे हो ना, तो इस तरह से भी कर सकते हो।